मोहतरम नाज़रीन और सामईन, गुज़िश्ता रोज़ अल पाकिस्तान जमीयत उल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी के साबिक सेक्रेटरी जनरल फतेह मोहम्मद अब्बासी ने कराची जोन के सदर जहांगीर अली खान एडवोकेट अब्बासी और साबिक सदर अब्दुल करीम अब्बासी साहब के साहबजादे मन्नान अब्बासी के हमरा जमीयत के तहत तामीर होने वाले मेडिकल सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर कराची जोन के जनरल सेक्रेटरी अनवार हुसैन अब्बासी ने फतेह मोहम्मद अब्बासी को और उनके हमरा आने वाले दीगर अहदेदारान को मेडिकल सेंटर का दौरा कराया और उनको तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर फतेह मोहम्मद साहब ने जमीयत के कारकुनों और अहदेदारान की कारकर्दगी को सराहा और उन्होंने इस कारकर्दगी को एक बेहतरीन काविश करार देते हुए कहा कि ये जमीयत का बहुत पुराना ख्वाब था जो आज शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने जमीयत के अहदेदारान को मुबारकबाद दी, अब्बासी बिरादरी को मुबारकबाद दी और मुखय्यर हजरात से पुरजोर अपील की कि वो इस कार्य खैर में अपना भरपूर किरदार अदा करें और माली और अखलाकी तआवुन फरमाएं। अभी हम आपको पाने जा रहे हैं, ये तमाम काविशें हमारे साथियों की हैं, हमारे दोस्तों की हैं जो मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला बरकत देगा और लोगों को इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आगे चलकर हमारी कौम को और आम आवाम को भी इससे फ़ायदा होगा, लिहाजा अल्लाह ताला मुझे और आपको ये खिदमत देने की कोशिश करे और आदिल साहब को जल्द अज जल्द से अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द से सहत्याब करें और वो अपने मकसद में जल्द से जल्द कामयाब हों। मुखय्यर हज़रात के लिए बरदर भाई हैं और जिनसे हमारा रबता भी रहता है और जिनसे नहीं रहता है, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि वो हमारे इस ऑफिस को आकर विज़िट करें और हमारी माली मदद करें ताकि, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है डिस्पेंसरी को चलाना, उसको आगे बढ़ाना, लोगों की खिदमत करना, इसके लिए मेहनत और पैसा दोनों की ज़रूरत है। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से, अजीज़ों से, भाइयों से और मुखय्यर हज़रात से मेरी अपील है कि आप हमारे साथ इसमें तआवुन करें और इस काम को आगे बढ़ाएँ। आमीन।